अब मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य महाराज के आगमन को लेकर पागल बाबा ने की अपील। 13 नवंबर 2024 को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का धौलपुर में आगमन हो रहा है। यह धौलपुर जिले वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इतने बड़े महान संतों का आशीर्वाद धौलपुर भक्तों को प्राप्त होगा। इसके लिए श्री श्री 1008 पागल बाबा महाराज ने सभी धौलपुर वासियों से शंकराचार्य महाराज के आगमन पर उनके श्रीमुख से प्रवचन लाभ और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने पर सौभाग्य की बात कही। सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारतवर्ष में यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि शंकराचार्य महाराज का पादुका पूजन आशीर्वाद व दर्शन लाभ कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए नारायण भगवान की जय। मचकुंद महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हमारे जो धौलपुर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हमारे मठाधी शंकराचार्य जो है अवमुक्तेश्वरानंद जी यहाँ धौलपुर में पधारेंगे 13 नवंबर को, है ना? 13 नवंबर को पधार रहे हैं, तो हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य रहेगा तो उनके दर्शन मिलेंगे, उनका पूजन मिलेगा और उनकी जो वातावरण है शब्द हैं वो बात करेंगे, अपने आप उन सब लोग समझेंगे। उनका वैसे अभियान चल रहा है गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता बनाना है, राष्ट्रीय गौ माता के लिए अभियान चल रहा है, तो हम सभी लोग सनातनी सभी लोग और उस सभा में जुड़ेंगे और उनके जो आशीर्वाद को सुनेंगे और आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे उनसे। और ऐसे संतों के दर्शन दुर्लभ हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ संत हैं। चारों विश्व देश के पूरे के चार संत हैं जो मठाधीश हैं शंकराचार्य, तो उनमें से जो वो पधार रहे हैं यहाँ पर दौलपुर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग उनके दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे और उनकी जो व्यवस्था में हम सब लोग भाग लेंगे दर्शन। आज बोलो महिलाओं के वस्त्र पहन देवी पांडाल में घुसे चार मन चले। नाच गान कर रही महिला व युवतियों से किया अभद्र व्यवहार। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव चितोरा में लगे देवी माता के पांडाल में माता के गानों की धुनों पर नाच रही महिला और युवतियों के बीच पास के ही गांव के चार मनचले युवक महिलाओं के वस्त्र धारण कर देवी माता के पांडाल में नाचने कूदने के लिए घुस गए। इस दौरान देवी माता के गानों की धुनों पर नाच रही महिला और युवतियों के साथ जबरन नाच गान करने लगे। इस दौरान पांडाल में महिला और युवतियों के साथ मनचले युवकों ने जबरन नाच गान करते हुए अभद्र व्यवहार किया। इस मौके पर ग्रामीण पुरुष और महिलाओं के द्वारा उक्त चारों युवकों को पकड़कर कोलारी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। थानाधिकारी भवर सिंह करदम ने बताया कि निरंजन पुत्र राम अवतार कुशवाहा उम्र 28 वर्ष निवासी जलालपुर कोलारी, रिंकू पुत्र रामवीर कुशवाहा उम्र 20 साल निवासी रज्जुपुरा कोलारी, गजेंद्र पुत्र रामू कुशवाहा उम्र 18 वर्ष निवासी दलिलपुर कोलारी और सूरज पुत्र विजेंद्र सिंह कुशवाहा उम्र 19 वर्ष निवासी दलेलपुर थाना कोलारी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नींद व भूलने की बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क रीड एवं नसरोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीवी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइट का सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर नगर परिषद के पास परिहार मार्केट घंटाघर रोड धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351 89 2799 और 9785 4774 15 पर कॉल करें। इस दीपावली करिए अपने सपनों के घर को रोशन, क्योंकि कृतिका सेल्स लेकर आया है मॉड्यूलर किचन एवं प्लाईवुड मटेरियल पर 5-10% की विशेष छूट। चिमनी की विशाल रेंज पर 30-35% की छूट। सभी तरह के दरवाजे, बाथरूम, फाइबर, WPC, सिंटेक्स दरवाजों एवं अन्य सामान पर 5-10% की छूट।
ऑफर नवरात्रि से दीपावली तक मान्य। हमारे यहाँ सभी तरह की प्लाई, प्लाईवुड, बोर्ड के दरवाजे, माइका, सागवान, कपूरसाल की लकड़ी सभी साइज में मिलती है। मॉड्यूलर किचन व पर्दे का सामान एवं फाइबर शीट भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे कृतिका सेल्स रोशन गार्डन के सामने, गिरराज कॉलोनी वाली गली के बगल में, राजा खेड़ा बाईपास, धौलपुर। चैन स्नेचिंग मामले की पीड़ित महिला से मिले विधायक जसवंत सिंह। शुक्रवार को बीच बाजार महिला के साथ हुई थी घटना। धौलपुर जिले के बाड़ी में शुक्रवार की दोपहर को अग्रवाल धर्मशाला के सामने गंज दरवाजे पर एक अपाची बाइक पर सवार दो बदमाशों द्वारा महिला के गले से चैन छीनने की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई थी। वहीं पीड़िता मीरा गोयल ने बाड़ी थाने पर मामला दर्ज करवा दिया था और पुलिस द्वारा भी जल्दी अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया गया। पूरे मामले में दूसरे दिन शनिवार को बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने पीड़िता मीरा गोयल, जो कि राम कुमार उमरेह वालों की बहन है, उनके घर पहुंचकर मामले को गंभीरता से लिया है और जनता के लिए अपना बयान फास्ट ट्रैक चैनल को दिया, जिसमें विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए बताया कि एसपी से उनकी बात हो गई है और वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करके लूटी गई चेन की बरामदगी करके पीड़िता को सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि जिस महिला के साथ ये घटना घटित हुई है वह महिला बाड़ी अग्रवाल सभा बाड़ी के उपाध्यक्ष राम कुमार गर्ग उमरेह वालों की बहन है। इस घटना को लेकर समाज के साथ व्यापार वर्ग में भी काफी रोष है, लेकिन पुलिस द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद उनको यह उम्मीद है कि जल्द वारदात का खुलासा किया जाएगा। ये मेरा आप यकीन करें, उसके बाद मेरी आज सुबह बात हुई। सुबह बात जब मेरी होती है एसपी साहब से, तो एसपी साहब कहते हैं कि चोरों का पता लग गया है। हमारी पुलिस ने सर्च करके इनको कैमरों से, और ये पता लग ली कौन ये लोग हैं, और बहुत अर्लीस्ट उनको पकड़ लेंगे और आपका माल दिलवाएंगे, और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। इसके लिए आपने जो मेरे से कहा है कि साहब गश्त जारी करवाओ दिन में भी, तो मैं गश्त चालू करवाऊँगा ताकि व्यापारियों में भय व्याप्त नहीं हो। और मैं व्यापारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप धैर्य रखें, हम तुम्हारे साथ हैं, आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहेंगे। सर, मैं मीरा गोयल बोल रही हूँ। कल मैं मार्केट गई हुई थी तो दो बाइक सवार आए थे, मेरी चेन को खींच के ले गए और मैं खड़ी रह गई, लोग देखते रहे। तो हमने FIR दर्ज कराने गए थे तो वहाँ उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हम उनको भी पकड़ेंगे और आपकी जो चीज़ गई है उसको भी दिलाएंगे। पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ था, वो किस जगह पर हुआ था आपके साथ? और मैं गंज की तरफ जा रही थी, मार्केट से आई तो मुड़ रही थी तो वहाँ दो बाइक सवार आए, मैं धीरे से चल रही थी धीरे धीरे, तो मेरे गले से चेन खींच ली उन्होंने। आपको क्या पहले से एहसास हो रहा था कि नहीं, अचानक से ही हुआ है। तो चेन खींच ली उन्होंने तो मैंने देखा ये क्या हो गया, तो नीचे देखा तो चेन का पैंडल नीचे पड़ा था। मैं पैंडल को उठाया, मैं थोड़ा घबरा गई, इतनी देर में वो लोग निकल गए, तो लोग इकट्ठा हुए तब तक वो भाग गए। समाज सेवी ओम प्रकाश धोलिया की ओर से दशहरा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, बुरे पर अच्छे की जय जयकार, यही है दशहरे का त्योहार। समाज सेवक ओम प्रकाश धोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निलोखर तथा लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर के वासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। आप हमेशा खुशहाल रहें, आपके परिवार पर भगवान श्री राम जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को दशहरा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका अपना ओम प्रकाश धोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। सेपो में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो जने हुए घायल, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलने पर SDM ने जताई नाराजगी। धौलपुर जिले के सेपो कस्बे में शनिवार को देवी माता की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए दिन भर बड़ी धूम मची रही।
कार्यवाहक उपखंड अधिकारी वीरेंद्र गुप्ता इस आयोजन को लेकर दिन भर मॉनिटरिंग करते रहे। उन्होंने पार्वती नदी पर किसी भी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ, जिसको लेकर एसडीएम वीरेंद्र गुप्ता ने कई बार नदी का दौरा किया और लोगों से समझाइश करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से माता की प्रतिमा को विसर्जित करने की लोगों से अपील की। हालांकि इस दौरान देवी माता की प्रतिमा को पार्वती नदी पर विसर्जन के लिए ले जाने के दौरान अलग अलग हादसे हो गए। बताया गया कि सैपू कस्बे से देवी माता की प्रतिमा को विसर्जन के लिए पार्वती नदी पर ले जाया जा रहा था। ट्रैक्टर के ऊपर रखी करीब 12 फीट ऊंचाई से देवी माता की प्रतिमा तारों में उलझकर नीचे जा गिरी। इस दौरान एक श्रद्धालु मूर्ति के नीचे दबने से घायल हो गया। घटना से भीड़ के बीच अफरा तफरी मच गई। तभी लोगों ने घायल युवक सोनू पुत्र रमेश को उपचार के लिए निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया है। वहीं कचपुरा गांव से देवी माता की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाते समय मैक्स गाड़ी के ऊपर लगे डीजे पर डांस करते समय एक युवक नीचे जा गिरा। इस दौरान वह बुरी तरह घायल हुआ है। घायल हुए युवक दिनेश पुत्र मंगल सिंह को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपू पर ले जाकर भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर उपखंड अधिकारी वीरेंद्र गुप्ता ने मौके पर पहुंच जायजा लिया और घायलों से कुशलक्षेम पूछी। सैपू कस्बा सहित क्षेत्र भर के गांवों में लोग 9 दिन देवी माता की प्रतिमा स्थापित करने के बाद आज शनिवार को हवन आदि कराकर मूर्ति को पार्वती नदी में विसर्जित करने का दौर जारी रहा। इस दौरान डीजे की धुन पर महिलाएं, युवतियां और बड़ी संख्या में लोग गुलाल उड़ाते हुए नाचते गाते पार्वती नदी पर पहुंचे, जहां देवी माता की प्रतिमाएं पार्वती नदी में विसर्जित की गई और माता से सुख समृद्धि की मनोकामना की गई। इस दौरान पार्वती नदी पर बड़ा हुजूम देखने को मिला। देवी माता के विसर्जन को लेकर अलग अलग हादसों में हुए घायलों को लेकर एसडीएम वीरेंद्र गुप्ता उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय हॉस्पिटल पहुंचे, जहां एसडीएम को अस्पताल में कोई भी ड्यूटी डॉक्टर मौके पर नहीं मिला, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। इस दौरान अस्पताल में मिले घायल दिनेश पुत्र मंगल सिंह से उन्होंने घटना की जानकारी ली और मौके पर मौजूद नर्सिंग ऑफिसर संजय तिवारी को पर्याप्त उपचार के निर्देश दिए। इस दौरान डॉक्टर नहीं होने से घायल को बिना चिकित्सीय उपचार के ही वापस लौटना पड़ा, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी ने कहा कि उच्च अधिकारियों से डॉक्टरों की ड्यूटी के संदर्भ में बात कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने किया पथ संचलन। विजयादशमी के अवसर पर धौलपुर शहर की गंगाबाई के बगीचे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धौलपुर नगर की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के ग्राम विकास संयोजक सतीश कुमार ने कहा कि संघ की स्थापना आज ही के दिन 1925 में डॉ. केशव राव बलराम हेडगेवार ने की थी। अंग्रेजों के शासन से परेशान होकर तथा समाज में अंग्रेजों द्वारा तुष्टिकरण की नीति अपनाकर भारत के हिंदुओं के प्रति हेय दृष्टि रखते थे और हिंदुओं को आपस में विभाजित करके लड़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार ने बचपन में ही इस बात को समझ लिया था कि हिंदुओं को संगठित करने की आवश्यकता है और विजयादशमी के दिन नागपुर में कुछ स्वयंसेवकों के साथ बैठकर संघ कार्य प्रारंभ किया। वर्तमान में देश के अंदर सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण जागरण और नागरिक शिष्टाचार की नितांत आवश्यकता है। टूटे हुए परिवारों को जोड़ना और परिवारों में आने वाली पीढ़ी में जीवन मूल्य तथा संस्कारों का बीजारोपण करना होगा। इस दौरान विजयादशमी उत्सव के अवसर पर स्वयं सेवकों ने शस्त्र पूजन किया तथा योग व्यायाम, सूर्य नमस्कार, दंड प्रहार का शारीरिक प्रदर्शन किया। उसके बाद संघ के गणवेशधारी स्वयं सेवक हाथ में दंड लेकर घोष की धुन पर कदम से कदम मिलाकर धौलपुर शहर के प्रमुख मार्गों से निकले। घोष के साथ बज रही धुन पर सभी आयु के स्वयं सेवक संचलन में चल रहे थे। संचलन का धौलपुर शहर के प्रमुख स्थानों पर अनेक संस्थाओं और माता बहनों ने पुष्प वर्षा कर और रंगोली बनाकर अभिनंदन किया। पथ संचलन का समापन भी गंगाबाई के बगीचे पर हुआ। इस पर गंगाबाई बगीचे के महंत हनुमान दास ने आशीर्वाद प्रदान किया। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 13 अक्टूबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श।
नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिव चरण कुशवाहा के निवास के सामने पैलेस रोड गुरुद्वारा धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7091-054-227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073-1215-94 पर कॉल करें। चेन बनाने की फैक्ट्री में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में रीको स्थित एक फैक्ट्री में शनिवार को एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया, जहां FSL टीम द्वारा साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से युवक का पोस्टमार्टम करा दिया। मामले को लेकर थाने के सब इंस्पेक्टर नोबेल सैनी ने बताया कि शनिवार को सूचना मिली कि रीको में आर्टिफिशियल चैन बनाने की फैक्ट्री में एक युवक का उसके कमरे में संदिग्ध हालत में शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि मृतक युवक सुरेंद्र उम्र 28 वर्ष पुत्र गंगा सिंह निवासी सुमावली जिला मुरैना मध्य प्रदेश फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में काम करने वाले दूसरे साथियों ने बताया कि युवक अपने कमरे में सो रहा था, जहां सुबह उसका शव मिला है। प्रथम दृष्टया युवक के जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की बात सामने आ रही है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि युवक फैक्ट्री में मजदूरी करता था, जिसकी संदिग्ध हालतों में मौत हुई है। युवक की मौत के कारणों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मामले में अगली कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह लगभग 8 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि रीको एरिया में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। सूचना पर मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा, जहां एक लड़का जिसका नाम सुरेंद्र सनोह गंगा सिंह निवासी समावली मुरैना का रहने वाला है, उसने अब वो अज्ञात कारणों से वह मृत पाया गया है। मौके पर मोबाइल FSL टीम को बुलाया जाकर कार्रवाई करवाई गई है और मृत बॉडी को हॉस्पिटल लाके बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सौंपी जा रही है, जांच जारी। सड़क किनारे खड़ी महिला की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत। धौलपुर जिले के सेपो थाना क्षेत्र में कुम्हेरी गांव के पास सड़क किनारे खड़ी एक महिला को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुई महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए रेफर किया गया, जहां रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल धौलपुर में सबका पोस्टमार्टम कराने पहुंचे ASI अजय सिंह ने बताया कि महिला सीमा उम्र 50 वर्ष पत्नी सत्तार निवासी चांदपुर थाना सदर अपने पीहर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जगनेर गांव में गई थी, जहां से लौटते वक्त महिला बाइक से उतरकर सड़क किनारे खड़ी हो गई। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुई महिला को जिला अस्पताल धौलपुर से इलाज के लिए रेफर किया गया, जिसने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। ASI ने बताया कि महिला की मौत की जानकारी मिलने के बाद शनिवार को मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है। हादसे के बाद मौके से फरार ट्रैक्टर की तलाश की जा रही है। घटना को लेकर पीड़ित परिवार की ओर से थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। कल शाम को सीमा बाइक और सत्तार सिंह अपने पुत्र के साथ आ रही थी बाइक से और ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया था कुम्हेरी के पास, जिसके दौरान आज रात्रि को मृत्यु हो गई, जिसके परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम दाह संस्कार हेतु लाश परिजन को सुपुर्द जाएगी, आगे की कार्रवाई अनुसंधान जारी है। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें।
डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम बिक्की बाबू की कोठी के सामने पुलिस चौकी के बगल में कोठी धौलपुर। आवारा सांड के हमले के बाद युवक ने तोड़ा दम। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के रेबियापुरा गांव में आवारा सांड ने खेत में काम कर रहे युवक पर हमला बोल दिया। सांड से बचने के लिए युवक और उसका भाई भागने लगे। सांड से बचकर भागते हुए युवक अचानक खेत में गिर गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सांड को भगाते हुए युवक को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे बसेड़ी थाने के सब इंस्पेक्टर गोपाल राम मीणा ने बताया कि धर्मेंद्र उम्र 25 वर्ष पुत्र वीरेंद्र निवासी रेबियापुरा अपने भाई सत्येंद्र के साथ खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान जंगल से निकलकर एक आवारा सांड दोनों भाइयों की ओर दौड़ा। सांड को अपनी ओर आते देखकर दोनों भाई भागने लगे। इसी दौरान धर्मेंद्र भागते हुए नीचे गिर गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सांड को भगा दिया। खेत में गिरे युवक धर्मेंद्र को लेकर ग्रामीण जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि युवक की भागते हुए मौत की जानकारी सामने आ रही है। संदिग्ध रूप से हुई युवक की मौत को लेकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। उन्होंने बताया कि सब परिजनों को सुपुत्र करने के बाद मामले की जांच की जा रही है। समय से नहीं खुली शहरी ओपीडी, परेशान होते रहे मरीज। धौलपुर शहर में शुरू हुई ओपीडी की व्यवस्था राम भरोसे है। शहर के मरीजों को राहत देने के लिए कुछ दिनों पहले शहरी ओपीडी शुरू की गई थी, जिसका समय सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक तय किया गया था। विजयदशमी को आधे दिन की छुट्टी होने के बावजूद शनिवार सुबह शहरी ओपीडी पर 9:30 बजे तक ताला लटका रहा। शहरी ओपीडी पर तय समय के आधे घंटे बाद तक ताला लगा होने की वजह से मरीजों के साथ डॉक्टर भी ओपीडी खुलने का इंतजार करते हुए देखे गए। जिला अस्पताल धौलपुर के पुराने भवन में शुरू की गई शहरी ओपीडी के बाहर खड़े मरीज ने बताया कि वह सुबह 8:30 बजे पहला नंबर आने के इंतजार में ओपीडी के बाहर खड़े हो गए थे, लेकिन 9:30 बजे तक भी ओपीडी का ताला नहीं खुला। मरीज ने बताया कि ओपीडी में तैनात डॉक्टर के समय पर पहुंच गए, जो ओपीडी खुलने का इंतजार करते रहे। अस्पताल के बाहर पहुंचे डॉक्टरों के फोन करने के बाद 9:30 बजे ओपीडी का ताला खोला गया। आपको बता दें कि जिला अस्पताल धौलपुर के शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो जाने के बाद अस्पताल संघर्ष समिति ने शहर में मरीजों के इलाज के लिए ओपीडी शुरू कराने की मांग की थी, जिसके बाद कुछ दिनों पहले ही 12 घंटे तक ओपीडी शुरू कर दी गई। इलाज के लिए ओपीडी पर पहुंचे मरीजों ने बताया कि विजयदशमी के दिन दोपहर 3 बजे तक ओपीडी खुलनी थी, जो सुबह देरी से खोली गई, जिसको लेकर मरीजों में नाराजगी देखने को मिली। जी, मैं बुखार दिखाने आया हूं। बुखार दिखाने आया हूं, 8:30 बजे का बैठा हुआ हूं, 9 बजे का टाइम बताया था और अब 9:30 बज रहे हैं, अभी तक हॉस्पिटल नहीं खुला है और इंतजार करते करते बहुत देर हो गई और अब मैं घर जाने वाला हूँ। मेरा नाम रईस है। मेरे एक्शन मोड में दिखे सेपो के नए तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता। दिन भर रहे दौरे पर खाद बीज की दुकान एवं अस्पताल का किया निरीक्षण। सेपो तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता पदभार ग्रहण करने के बाद से ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उनके पास उपखंड अधिकारी का भी अतिरिक्त कार्यभार है। शनिवार को वह फील्ड में दिन भर दौरे पर रहे। उन्होंने सेपो कस्बे के बाजार में खाद बीज भंडारों की कई दुकानों का निरीक्षण किया। खाद बीज भंडारों पर पहुंचे कार्यवाहक उपखंड अधिकारी वीरेंद्र गुप्ता को देख दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान उन्होंने खाद यूरिया को लेकर जानकारी जुटाई तथा किसानों को उचित रेट पर डीएपी व अन्य खाद उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने दुकानदारों को सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि किसानों के लिए फसल बुवाई का सीजन है। इस दौरान किसानों को डीएपी व अन्य खाद की महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है। ऐसे में किसी भी तरह की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने देवी माता विसर्जन महोत्सव को लेकर दिन भर कस्बा सहित तसीमों पार्वती नदी पर मॉनिटरिंग की और लोगों से नदी के गहरे पानी में न जाकर शांतिपूर्ण तरीके से मूर्तियों के विसर्जन करने की अपील की। उन्होंने उपखंड मुख्यालय के राजकीय अस्पताल का भी निरीक्षण किया। अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंचे एसडीएम वीरेंद्र गुप्ता ने सुबह के समय अस्पताल में मौजूद मिले डॉक्टर से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली तथा मरीजों को सरकार की मंशा के मुताबिक बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। वहीं शाम के समय देवी माता प्रतिमा को लेकर अलग अलग दो जगह हुए हादसों में घायलों के कुशलक्षेम पूछने के लिए जब एसडीएम हॉस्पिटल पहुंचे तो उनको कोई भी ड्यूटी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं मिला।
जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने घायलों से घटना को लेकर जानकारी ली तथा परिजनों से समझाइश करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों में धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से काम लें। साथ ही अस्पताल में कोई भी ड्यूटी डॉक्टर नहीं मिलने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों की यह बड़ी लापरवाही है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से बात कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। बजरंग हॉस्पिटल एवं बजरंग सोनोग्राफी आपके लिए लेकर आया है चिकित्सा के क्षेत्र में धौलपुर के निजी अस्पतालों में सबसे अच्छी और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। बजरंग हॉस्पिटल में डॉक्टर ए के जायसवाल MBBS MS और डॉक्टर श्वेता सिंह MBBS द्वारा नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, बवासीर का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही बांझपन एवं निसंतान दंपतियों का भी इलाज किया जाता है। इसके अलावा सोनोग्राफी एवं खून की सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध। पता परिहार मार्केट, पुरानी नगर परिषद के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। यदि धौलपुर जिले में बन रहा है आपका नया घर या दुकान या कोई प्रोजेक्ट, तो धारा एंटरप्राइजेस पर आइए, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा और भरोसेमंद बिल्डिंग मटेरियल शोरूम, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको घर दुकान बनाने का लगभग पूरा सामान थोक की रेट में। यहां मिलेगी सीमेंट, सरिया, कंक्रीट, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट, सभी तरह की टाइल्स, सैनिटरी, पेंट, हार्डवेयर, बिजली फिटिंग का सामान, पाइप और सभी तरह का बिल्डिंग मटेरियल का सामान, वो भी थोक की रेट पर। तो आज ही आइए धारा एंटरप्राइजेज पुलिस लाइन के सामने, सैनपाउ रोड, धौलपुर। सरेआम सट्टे की खाई वाली करते दो जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए सट्टे की खाई वाली करते हुए दो जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिनके कब्जे से सट्टा राशि व अन्य सामान जब्त किया है। थाना प्रभारी रामवीर सिंह ने बताया कि सट्टे की खाई वाली करते महेश कुमार पुत्र बदन सिंह कुशवाहा निवासी छाहर बसेड़ी को 2,210 रुपए और जगदेव पुत्र रामधन कुशवाहा निवासी झील थाना बसेड़ी को 1,910 रुपए की सट्टा राशि के साथ गिरफ्तार किया है। कंप्यूटर अनुदेशकों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। कंप्यूटर अनुदेशक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राघव पाठक के नेतृत्व में भरतपुर एवं धौलपुर के कंप्यूटर अनुदेशकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कंप्यूटर अनुदेशकों की कैडर संबंधी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशकों की कैडर निर्माण, पदनाम परिवर्तन, वेतन विसंगति एवं कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की बात कही गई है। राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर अनुदेशकों की नियुक्ति 1.5 वर्ष पहले ही हो चुकी है, लेकिन अभी तक कैडर निर्माण न होने की वजह से सभी कंप्यूटर अनुदेशक असमंजस की स्थिति में हैं। न ही अभी तक कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की कंप्यूटर विषय की पुस्तकें विद्यालय में उपलब्ध हैं, इसलिए सभी कंप्यूटर अनुदेशकों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि विद्यालयों में जल्द से जल्द कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो और कंप्यूटर अनुदेशकों की कैडर निर्माण संबंधी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। झूमते गाते माता रानी की प्रतिमाओं का किया विसर्जन। श्रद्धालुओं ने की मां की पूजा अर्चना, मांगी मन्नतें। नवरात्रि के बाद विजयदशमी के दिन धौलपुर शहर में माता की प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर लोग चंबल नदी पहुंचे, जहां नदी में प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक के बाद भी लोगों ने प्रशासन द्वारा नदी के पास खुदवाए गड्ढों में माता की प्रतिमाओं को श्रद्धा भाव से विसर्जित किया। नम आंखों से माता की प्रतिमाओं को विदाई देने से पहले लोगों ने मां की आरती कर पूजा अर्चना की। मां की प्रतिमाओं के विसर्जन से पहले धौलपुर शहर भर में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके बाद लोगों ने माता रूपी कन्या लांगुरों को भोजन कराने के बाद भंडारे का आयोजन किया। लोगों को प्रतिमाओं का चंबल नदी की जगह नदी के किनारे बनाए गए गड्ढों में विसर्जन करने को कहा गया था, जिस पर लोगों ने सुबह से शाम तक 400 से भी अधिक माता की प्रतिमाओं को श्रद्धा पूर्वक प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों पर विसर्जित किया। मोबाइल अम्मा का, हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेट बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान
हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल, मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तराहे के नजदीक, संत रोड धौलपुर। J&D कार बाजार धौलपुर करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। कार बाजार आइए, जहां कार खरीदिए, बेचिए और बदलिए। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक कार खरीदने पर 21,000 रुपए की नगद छूट। हर गाड़ी पर लोन की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहां सभी कंपनियों की पुरानी कारें शोरूम कंडीशन और सस्ती कीमत पर मिलती हैं। धौलपुर के सबसे भरोसेमंद कार बाजार में एक बार विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता पुलिस लाइन के बगल से सैपऊ रोड धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। साईं भक्तों ने मनाई बाबा की 106वीं पुण्यतिथि। शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था धौलपुर की ओर से साईं बाबा की 106वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम के चलते सुबह 8 बजे से साईं बाबा का पंचामृत से महाभिषेक किया गया, जिसके बाद विशेष श्रृंगार कर नवीन व आकर्षक वस्त्र बाबा को धारण कराए गए। वहीं साईं सच्चरित्र परायण पाठ भी किया गया। इस दौरान साईं भक्त अमित सक्सेना ने बताया कि मनुष्य के मन की स्थिति ही उसके सुख और दुख को निर्धारित करती है। जो मनुष्य जैसे विचार रखता है वैसा ही बन जाता है। मस्तिष्क का कार्य है विचार करना और मानव का मस्तिष्क विचार किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए हमें संतों का आदर करना चाहिए तथा उनके साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत जगत के उद्धार तथा दीन और अनाश्रितों के कल्याण के निमित्त ही संसार में अवतीर्ण होते हैं। हमें संतों का आदर करना चाहिए। संत और अनंत वास्तव में एक ही है और जो इनमें भेद करता है वह निरा अज्ञानी होता है। इस अवसर पर अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंघल, अमित सक्सेना, अजय बंसल, राहुल कंसाना, गुलशन, संजय गुप्ता आदि भक्तगण मौजूद रहे। अवैध हथियार के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले के कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कोलारी थाना अधिकारी भंवर सिंह करदम के द्वारा कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए अवैध हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार रामेंद्र पुत्र जगन सिंह कुशवाहा निवासी भूतपुरा थाना कोलारी को बहरावती से राजपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर घूमते हुए गिरफ्तार किया गया है। कोलारी थाना अधिकारी भंवर सिंह करदम ने बताया कि बदमाश किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की नियत से घूम रहा था। इसी दौरान सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा के निर्देशन में टीम गठित करते हुए सखवारा पुलिस चौकी के ASI सत्यप्रकाश शर्मा, कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, राजकुमार और केशव को मौके पर भेजा गया, जहां से आरोपी रामेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार करते हुए इसकी तलाशी ली गई, जिसके कब्जे से अवैध हथियार और 2 कारतूसों को जब्त करते हुए कार्रवाई की गई है। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।